फिर से बच्चे दे दिए देखो। तो हेलो सो गाइस, स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस मैं अभी आया हूँ ऊपर। तो अभी मैंने देखा, जस्ट इसने फिर से बच्चे दे दिए देखो, 1 2 3 4। वो देखो अपने बाल लगा रही है, मतलब अपन इसको बाहर निकालते हैं जल्दी से सभी बच्चों को। यार ये क्या हो रहा है इसके, ये ओए वो उसको मार रही है यार, बच्चे को छोटे को। देखो खून भी लगा हुआ है पता नहीं कहाँ से। और इसने ये देखो बच्चे, 2 6 7 7 बच्चे हैं, 7 कमजोर हैं इस बारी भाई, अभी हुए हैं बस। ये टांग टूटे जो दी थी इसमें। तो बच्चों को हमने इसमें शिफ्ट कर दिया जल्दी से, क्योंकि यार इसके ये देखो, ओए बाहर मत आ, इसको बाहर नहीं आने देंगे अब एक बारी के लिए। और इसका खाना रख दिया हमने यहाँ पे। और अब हम यहाँ की सफाई करेंगे, क्योंकि इन्हें गंद मचा रखा है यहाँ पे। सफाई करते हैं हम, इनको धूप वगैरह में रखते हैं। और कल ही मरा था हमारा रैबिट का बच्चा, वो बड़ा जो नेट इधर आ ये वाला नेट था इधर आ। अब हमें उसकी कभी कमी महसूस नहीं हुई, कभी वही आ गया ये वाला नेट था, इसके अंदर फंस के मर गया। टाइट है ये कोई, अरे वहां लगा हुआ था उसकी छत पे, अब तो चादर लगा दी। अच्छा पहले ये लगा हुआ था, ये जाली है पूरी। अच्छा उसमें फंस गया, फिर ये बंद कर दिया। और यहाँ की सफाई भी कर दी, देखो ये कितना गंदा निकला यहाँ से। 8 बच्चे हैं टोटल कुल गिनती के, 5 में से 2 मर गए, मतलब एक कल मरा था ठीक है। तो जिसने वो व्लॉग नहीं देखा जाके देख लो, वो बिल्कुल वाइट था ओड आइज, और ये भी सारे ब्लैक एंड वाइट है। तो पता नहीं क्या होगा, और ये देख लो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसको बच्चे को मार रही थी आपको, जैसे आपने जैसे देखा उस छोटे वाले को, अब वो खाना वगैरह खा रहे हैं उस पिंजरे में। चिड़िया भी उसके अंदर ही रहती है, मटकी के अंदर। थोड़ी देर इनको धूप में रख के फिर हम पतंग उड़ाने चलते हैं ऊपर, पतंग भी उड़ाएंगे आज। इस पतंग उड़ा रहे हैं हम, देखो कहाँ है ये पतंग, तो दिखा बनी कहाँ है। ये रही मारी पतंग, ये उड़ रही। अरे हमने इनकी अभी एक पतंग काट दी है, इन पड़ोसियों की मारी इनकी। और वो अभी दिखाता हूँ आपको, रुको वो रे यहाँ ये उड़ा रहे थे, इनकी 3 काट दी। और ये इसने एक भी नहीं काटी, ये बस ऐसे ही रख रखा है, काटी मैंने सारी की सारी, एक इसने काटी है। और ये हमारा ये चरखा पकड़ने वाला है, हमने चेला रख रखा है एक हमारे पास चरखा में। ओ ये दिल्ली का कबूतर आ गए हैं यहाँ पे। अरे नीचे उतार मारी सी, अरे गुंजर होगी ऑल है, टूट गई पगड़, टूट गई नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ये पतंग पड़ेगा ले गया खाली हो गए। चल तो गाइस पतंग वगैरह उड़ा के आ गए हम, ये रही हमारी रैबिट। और इसने अपने बाल नहीं फाड़े, शुक्र है हमने, क्योंकि पहले ही रुई रख दी थी। और ये ज्यादा बस हाँ। अब हम इसको अलग रखे करेंगे खरगोश से, और इसको इसका खाना डालते रहेंगे टाइम पे। इसको दूध डाल देते हैं, ये रहा दूध ले पी ले, अरे नीचे वाला पी ले, इसको दूध पसंद है और दूध भी पिलाना चाहिए।
इस टाइम पे जब बच्चे थे तो बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको। रुको ये रहे सारे, ये देखो हम इसको इसके ऊपर रख देते हैं। इनको भी हमने अपनी जगह पे कर दिया, मैट ले आए हम नीचे, इनको खाना डाल देते हैं। ये इनका खाना, ये पत्ते हैं शायद मूली के हैं पता नहीं, ये चारे की दुकान पे मिल जाते हैं। तो जरे लो भाई खा लो, अब इनको थोड़ा डाले करेंगे क्योंकि अब ये तीन ही हैं इसलिए वेस्ट ज़्यादा करते हैं, खाते कम हैं। और उनको भी देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। और भूसों को देख लो, ये मेरे साथ ही रहता है, ये जब का ऊपर है जब से हम पतंग उड़ा रहे हैं। और पतंग उड़ा के आए हैं अब हम इसे, इनको दाना डाल तो दिया खैर इनको भी, और ये खा रहे हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं, और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बनाने के ऊपर क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नहीं हो रहा। इनका कैल्शियम वो बदल दिया था मैंने, मुर्गियों को डाल दिया था वो छोटे वाला, और ये यहाँ रख दिया, और इनका दाना भी चेंज कर दिया। सफाई भी करनी है इनकी, करेंगे लेकिन। और ये यहाँ है, अभी मटकी में गई हुई थी, अभी आई है वजीज। तो अभी हम चलते हैं, और मेरी हालत देखो, ये देखो पैर ऐसे लग रहा हूँ मजदूरी कर गया हूँ। ये मैंने इसलिए बांध लिया था क्योंकि हाथ ना कटे मेरा पतंग में। तो जल्दी नीचे चलते हैं, नहा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस नहा धो के आ गया हूँ मैं अब ऊपर, इधर आया हूँ, और इनके लिए ले गया हूँ मैं पालक इसके लिए, और इनको अलग खाना डालेंगे इनका। तो शाम का टाइम हो गया है, और खाना जल्दी डालेंगे क्योंकि आज ये थोड़ी भूखी होगी इसलिए। तो पहले हम इसको कपड़े को साइड में लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको यहाँ पे पालक को रखते हैं। लो भाई खा पालक खा ले, ये देखो पालक हम डाल देते हैं इनको, चिड़ियाओं को। लो भाई खाओगे, अरे लो आ जाओ खा लो। और इसको हम पानी रख देते हैं, अब इसमें होगा पानी, ये रहा पानी इसमें, पोको को पानी रख देते हैं। ये हमने रख दिया इसका पानी, थोड़ा ही रखेंगे, पहले वाला खाना तो ख़त्म कर लिया। फिर हमने ये नेट हटा के फिर चादर लगाई है, ये आपको बताना भूल गया था मैं यहाँ पे। और इन्होंने पहले वाला खाना तो खा लिया है, और इनको हरा डाल देते हैं थोड़ा, ये मतलब जो खरगोश खाते हैं ये इनके शरीर के लिए ठीक रहेगा। मैं लेके आया हूँ रैबिट के लिए अपने दूध और मूली के पत्ते, तो इनको डालते हैं जल्दी। और रात हो ही पड़ी है, ये देखो। और यहाँ पे अपने सारे जानवर देख लेते हैं, ठीक है ये खाना खा रहे हैं। और अपने रैबिट यहाँ पे है दोनों, और अपने बजीज भी ठीक है। और अब हम इसको खाना डालते हैं हमारी कोको को, दूध पी ले। ले मैं इधर रख देता हूँ, इधर से पी ले तू, पीछे 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 ले, यहाँ से पी ले। और इसको मूली के पत्ते रख देते हैं, ले मूली के पत्ते खा ले। पत्ते हम इनको भी डाल देते हैं थोड़े से मूली के पत्ते, मुर्गों का भी लो खा लो। और इनको इस अब इसको ढक देते हैं यहाँ से। और इस ब्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं, कैसा लगा आज का ब्लॉग, अच्छा लगा लाइक करना, नहीं लगा मत करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इतने के लिए बाय बाय। ओ यार तेरा बंदा नहीं मेरा यार, या मैं नाम नहीं हुए बदनाम।